आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 का मेट्रो एडिशन। ये मिड वेरिएंट है इसका। इसमें एक दूसरा एडिशन आता है जिसकी प्राइसिंग इससे लगभग 2000 रुपए ज्यादा है। साथ में इसके यूजर हैं सानिध्य और भाई का लगभग इसमें 2500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो गया है। लगभग 3-4 महीने पहले भाई ने खरीदी थी, तो पूरा एक्सपीरियंस समझते हैं भाई की यूजर का क्या रहा एक्सपीरियंस और ये बाइक खरीदने का क्या रीजन है। क्योंकि आप इसी सेगमेंट में देखोगे तो रॉयल इनफील्ड की 3-3 मोटरसाइकिल है, क्लासिक है, मेट्योर है, फिर होंडा की हाइनेस भी है। तो ये फाइनल पिक करने का क्या रीजन था, माइलेज वगैरह कितना मिल रहा है, टॉप स्पीड कैसी क्या है, हाँ सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है, वो भी सब कुछ समझते हैं। कितना किलोमीटर आपने इसको चला लिया अभी? ये 2400 होने वाली है। 2400 होने वाली है। तो अभी तक का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा वो तो चलो अपन अभी समझेंगे। पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये बाइक खरीदने का क्या रीजन है? एक्चुअली मेरा बहुत पहले से ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट क्रूजर बाइक्स की तरफ ज़्यादा रहता है, स्पोर्ट्स बाइक में इतना इंटरेस्ट नहीं आया मुझे। तो मैं 2019 के आसपास गया था देखने के लिए शोरूम में। अच्छा। एक्चुअली उस टाइम मेरा था प्लान लेने का, बट फिर कोरोना आ गया और उस चक्कर में कैंसिल हो गया, डिले हो गया। फिर मैं अभी गया 2022 में, तो ये हंटर नहीं आई थी उस टाइम। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं तो मेन मतलब मीटियोर के पर्पस से गया था। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली मुझे थंडरबर्ड लेनी थी, उसका ही एक तरह से नाम चेंज करके मीटियोर है। तो अब मैं गया वहाँ, तो वहाँ मैंने चेक किया तो मेरे को ये देखिए, मेरी आंखें मतलब सबसे पहले स्पेशली आई क्योंकि ये मतलब अलग ही दिख रही थी, इसका कलर व्हाइट कलर है तो अलग ही बीच में खड़ी थी, सुंदर दिख रही। सबसे पहले मैंने ये भी चेक किया कि लोगों को रहता है ना कि हाँ यार थंप होना चाहिए रॉयल इनफील्ड में जो पुरानी बुलेट में आता था। तो मैंने सबसे पहले आवाज़ चेक की तीनों की जाके, तो एक्चुअली इसका थोड़ा एग्जॉस्ट छोटा है बाकी गाड़ियों से उन दोनों से, तो इसका थंप थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, तो थोड़ा ये लगी मुझे कि हाँ ठीक है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की, रेट्स वगैरह पता किया, तो ये अपन को 198 में पड़ गई और बाकी गाड़ियों का क्या मतलब, ये भी 350 cc इंजन है, मीटियोर और बुलेट भी 350 cc है और काफ़ी मतलब 30-40 हज़ार का फ़र्क मिल गया। एक ये रीज़न है, दूसरा ये है कि ये मतलब थोड़ी हल्की है, 10 किलो हल्की है उससे, इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे यही खरीदनी चाहिए। पहले से ये क्लियर नहीं था कि मुझे हंटर खरीदना है। पहले से क्लियर, पहले ये था कि मेट्योर खरीदनी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद डिसीजन चेंज हो गया इसको देखने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे बायर्स के साथ होता है ये बाइक के साथ स्पेशली, क्योंकि ये ना अलग सी थोड़ी सी है। जब आप रॉयल इनफील्ड जाते हो तो आपका कुछ और मन रहता है, लेकिन जब आप प्राइसिंग देखते हो, क्योंकि इसकी प्राइसिंग लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये, कहीं कहीं तो 40 हज़ार रुपये ऑन रोड आते आते कम रहती है, तो भैया 40 हज़ार रुपये आप कम पे भी कर रहे हो, इंजन आपको सेम मिल रहा है और थोड़ी सी ना ये अलग दिखती भी है रोड पे, लोग इसको ज्यादा नोटिस करते हैं, मुझे ऐसा करते हैं तो मतलब लोग जहाँ भी जाता हूँ रोक रोक के, भाई भी साथ में था रोक रोक के पूछते हैं। तो कितने की पड़ी थी उस टाइम आपको ये? ये पड़ी थी 198 विदाउट एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में आपने क्या क्या इसमें डलवाया? एक्सेसरीज में ये अपना बैकरेस्ट है, ठीक है, ये रॉयल इनफील्ड से डलवाया। हाँ, पूरा रॉयल इनफील्ड की है ओरिजिनल सारी एक्सेसरीज। ये हो गया, नीचे अपना इंजन गार्ड है, प्रोटेक्शन काउल, हाँ, ये अपना वाइजर है, विंडशील्ड, और ये मेन यही चीजें लगवाई है। तो इसका कितना आया था? इसका एक्चुअली टोटल आया था 5000, बट फिर डिस्काउंट करवा लिया था तो वो 201000 की पड़ी थी टोटल। वैसे ऑन रोड प्राइस भोपाल में 198000 है, लेकिन एक्सेसरीज के साथ 2 लाख 2 लाख 2 5 तक पहुंच जाएगी, 5-6 तक पहुंच जाएगी, फिर अपन ने डिस्काउंट मतलब 4-5 हज़ार रुपए की आपने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज डलवाई, अब वो भी ऐसी डलवाई जिसकी मतलब नीड रहती है, ऐसा नहीं कि अनसन कुछ भी डलवा लिया। जैसे 2500 किलोमीटर आपने इसको चला लिया था, सर्विस भी कराई होगी, एक पहली सर्विस हो गई, सर्विस हुई कितने में होती है? पहली सर्विस आपकी होती है 500 किलोमीटर। ठीक, कितने पैसे लगे थे उसमें आपके? 1500 लेबर कॉस्ट फ्री रहती है पहली दो में। अच्छा। तो 1500 में इंजन ऑयल और आपका फिल्टर, यही सारी चीजें चेंज हुआ है। हाँ, इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था, चेक ब्रेक्स वगैरह चेक किए थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट सर्विस के हिसाब से 1500 रुपए अभी तक यार, मतलब 2500 किलोमीटर में आपको कैसा एक्सपीरियंस है, सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, मतलब ऐसा है, सेटिस्फाइड तो हूँ मैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इसको क्रूजिंग बाइक की तरह भी चला सकते हो, चाहो तो स्पोर्ट्स बाइक की तरह भी चला सकते हो, पिकअप वगैरह भी अच्छा है वेट कम होने के चक्कर में, और बाकी ये है कि हाँ थकान भी, पोस्चर भी ठीक ठाक है, तो आपको लंबी राइड्स में जाना है तो थकान भी नहीं होती है। आप इससे भी लंबी करें एक आध राइड? नहीं लंबी, ज़्यादा लंबी नहीं, सीहोर इंदौर तक मान लो, तो मतलब 200-250 किलोमीटर। हाँ, ऐसे 200 किलोमीटर कोई बंदा अगर चलाना चाह रहा है तो क्या इजी रहता है चलाना मतलब? हाँ, मतलब कंफर्टेबल तो है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, भले मैं ये मानूंगा कि हाँ बुलेट हो गई या कुछ हो गई वो थोड़ी ज़्यादा है, बट एक्चुअली इसका क्या है कि अभी जो निकाली है बाइक तो इसमें वाइब्रेशन पूरा ख़त्म कर दिया, तो आप हाईवे में अच्छे से चला सकते हो इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना वाइब्रेशन होगा, तो आप मतलब एक डिसेंट राइड मिलेगी आपको। ठीक है, मोस्टली आप सिटी में चलाते हो? मोस्टली सिटी में। तो सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिटी में भी अच्छा है, यही खासियत
देता है, इसके जैसे टायर छोटे हैं, थोड़ी छोटी गाड़ी है कंपैरेटिवली, तो इसको मोड़ना बहुत आसान है, माइलेज बहुत अच्छा देती है, ट्रैफिक में इजी होता है, ट्रैफिक में काफी इजी है। जब आप इसको खरीद रहे थे तो क्या मीटियोर की टेस्ट राइड ली थी? मीटियोर की भी टेस्ट राइड, तो उसमें और इसमें टेस्ट राइड में कुछ डिफरेंस फील हुआ था उस टाइम? टेस्ट राइड में हाँ डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो अब इतना ज्यादा नहीं, बट हाँ पोस्चर, उसकी सिटिंग पोस्चर थोड़ा अलग है, थोड़ी बड़ी है और थोड़ी भारी भी है वो एक्चुअली, तो उसको संभालना, इसको संभालना ज्यादा कंपैरेटिवली आसान है उससे। मतलब कोई बंदा अगर सिटी के लिए प्रॉपर मोटरसाइकिल सर्च कर रहा है ना, तो मुझे लगता है कि भाई ये बेटर ऑप्शन है, क्लासिक से भी बेटर है, क्योंकि भाई ये वेट इसका बहुत कम है। और हाँ आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में जैसे अपन जब मिले थे कि कुछ इसमें फाइबर वाइबर यूज है, कहाँ कहाँ पे वो आप बता सकते हो? एक्चुअली इसमें हाँ वेट कटिंग हुई है, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फाइबर का है, जो कि बुलेट में और मीटियोर में ये मेटल का रहता है, फिर ये दोनों फाइबर के हैं और ये आगे वाला फ्रंट वाला भी, हाँ ये भी फाइबर की। टॉप स्पीड आपने कितनी चलाई इसकी? टॉप स्पीड मैंने चलाई है 110 तक। अच्छा हाँ, 110 आपने चलाई, हाईवे में ही चलाई होगी? मैंने चलाई है, मतलब बोलते हैं लोग यहाँ मेरे दोस्त के पास है पहुँच जाती है अच्छी, बट मैंने 110 तक चलाई है। ठीक है, अभी भी चांसेस था कि मतलब बढ़ जाएगी? एक्चुअली फर्स्ट सर्विसिंग ही हुई है इसकी अभी, तो मैंने सोचा ज़्यादा इसको अपन। माइलेज आप बता दो कितना मिल रहा है आपको? माइलेज ये अभी दे रही है 36 का। 36 मतलब सर्विसिंग के बाद रफली अगर देखा जाए तो 35 से तो ऊपर ही दे रही है ना? 35 से हाँ, तो बहुत है यार, मतलब सिटी के लिए 35 से ऊपर दे रही है। अभी 2500 किलोमीटर चली है, एक दो सर्विस और होंगे तो थोड़े बहुत और बढ़ेंगे। आप ये सिटी का माइलेज बता रहे हो या हाईवे का? सिटी का है ना, तो सिटी का तो भाई बहुत अच्छा है 35 का माइलेज है ना। और वाइब्रेशन वगैरह कैसा? बिल्कुल भी नहीं लगता या कोई एक रेंज में होता है ऐसा कुछ? सबसे अच्छी बात ये इसमें कि वाइब्रेशन आपको इसमें तो बिल्कुल ही नहीं फील हो। अच्छा, मतलब आप वो भूल ही जाओ एक लेवल तक, मतलब आपको थोड़ा सा भी वाइब्रेशन तो नहीं फील होने। और ग्राउंड क्लियरेंस में लोग कंप्लेन करते हैं तो कमी लगी क्या? तो हाँ, मतलब कंपेयर करें बाकी गाड़ियों से तो कम है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, 150 की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि टच हो जाती है स्पीड ब्रेकर से, अगर आप ज़्यादा स्पीड में हो स्पीड ब्रेकर से निकालो तो चांसेस रहते हैं कि टच हो जाए। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी थी जब फर्स्ट टाइम चलाया था। इसके अलावा यार सीट का भी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार सीट इसकी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी मतलब पिलियन के लिए, राइडर के लिए तो ठीक है अच्छा स्पेस भी है, तो कोई ऐसा पिलियन की सीट को लेके है एक्सपीरियंस तुम्हारा? हाँ, पिलियन का एक्चुअली इसका लगवाने का भी मेन रीज़न यही था एक्चुअली। पहली बात तो इसकी सीट की लेंथ कम ही है, जैसे आपको पता है कि हाँ बाकी गाड़ियों से थोड़ी कम, तो आपको इसमें थोड़ी कम स्पेस मिलती है पिलियन को कंपैरेटिवली। और दूसरी बात ये भी इसलिए लगवाया कि आप अगर एकदम पिकअप लो या एकदम भगाओ तो पीछे वाला इंसान बहुत तेज पीछे खिंचाता है, मतलब एकदम पीछे हो जाता है, इसलिए ये लगवाया। अगर आप ये ना हो तो इंसान गिर भी सकता है। हाँ, क्योंकि पीछे वाली सीट जो है ना भाई, स्पेस तो कम है, स्पेस के साथ ना मतलब इसकी डिजाइन देखो ना, पीछे जाके नैरो हो रही है, थोड़ी नैरो है, मतलब अजीब सी डिजाइन है थोड़ी। इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए था पीछे। ठीक है, स्पोर्टी लुक है उसमें, तो मतलब सीट में, हाँ सीट में कॉम्प्रोमाइज है पीछे वाली में, तो अगर आप कहीं दूर जाना चाह रहे हो पिलियन के साथ तो मुझे लगता है आपको भी ये एक्सेसरीज लगवानी चाहिए। हेडलाइट के बारे में कोई फीडबैक? हेडलाइट के बारे में ये है कि हेडलाइट मतलब अच्छी है इसकी, ये भी जैसे मेटल आप देखोगे ये भी पूरा मेटल का है। अच्छा, है ना, हेडलाइट का ये पूरा फ्रेम भी मेटल का है और अच्छी है, मतलब इसमें वही है अपनी हैलोजन ही है, तो रात में रोशनी बराबर काफ़ी अच्छी है। हेडलाइट तो काफ़ी, मतलब इसका अपर हाई बीम देखे तो काफ़ी दूर तक फिकाता है और मतलब काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी। मतलब मुझे अगर कहीं जाना हो दूर हाईवे में तो एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत नहीं, 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 नहीं। इससे काम हो जाएगा। और यार इसमें फीचर्स वगैरह क्या हैं, क्या क्या मिलते हैं आपको थोड़ा सा अगर क्विकली बता दो तो? इसके जैसे इसका मीटर क्लस्टर आप देखेंगे तो इसमें आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, गियर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, टाइम मिल जाएगा, सारी जरूरी चेक लाइट्स वगैरह आ जाएंगी, सर्विसिंग का वो भी नोटिफिकेशन भी आ जाता है सर्विसिंग करवानी हो। देखने में भाई बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसके साथ एक ट्रिपर नेविगेशन आता है, ट्रिपर नेविगेशन उसका पता करा था? हाँ, बट वो एक्चुअली उसको मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि वो अब मैं तो जैसे सिटी में है अधिकतर, वो कहीं बाहर जाओ आप तो वो एक्स्ट्रा 5000 देने पड़ेंगे। क्वालिटी के बारे में तो मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी है, बट हाँ थोड़ा चेंज है इसमें, जैसे आप पहले अपन स्विच दबाते थे इसको आप घुमा सकते हो डायरेक्ट, तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। हाँ, मतलब आपको इजी पड़ेगा चलाते टाइम इसका हेडलाइट वगैरह का। तो स्टार्टिंग में अजीब नहीं लगा यार इसे स्टार्ट करना है तो? थोड़ा अजीब स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकी एक तरह से ये भी डेलिकेट है पर थोड़ा। तो यार अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही पता चल रहा है यूजर के हिसाब से, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा ना इसके कमियों के बारे में समझते हैं, क्या क्या कमी भाई ने अभी तक फील करी। तो अभी इसमें कुछ छोटी मोटी कमी आपको लगी हो इस 2500 किलोमीटर में तो वो आप बता दो। मेन कमी तो जैसे मैंने बताया ग्राउंड क्लियरेंस की तो है ही, है ना, और दूसरा ये है पिलियन सीट,
ये प्रॉब्लम भी है। बाकी ऐसे अगर पर्सनली मेरे को देखा जाए तो मेरे को मतलब ऐसी इतनी ज्यादा कोई ऐसी नहीं लगी कि हाँ प्रॉब्लम है। पिलियन वाली प्रॉब्लम आपने बताया भाई, तो वो आपके लिए नहीं है। अगर आप सिंगल चल रहे हो तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि भैया कैसी पीछे वाली सीट है मेरे लिए। हाँ, बट अगर कोई पिलियन के साथ हमेशा राइड करता है, कहीं दूर जाने का प्लान है, तब उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इसके अलावा ऐसी कोई सच प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक तो नहीं आई। मतलब बाकी लॉन्ग टर्म में देख लेंगे जब भी होगा 10-12 हज़ार किलोमीटर। ठीक है, इसका मीटर ये भी बहुत मतलब इसमें डिटेल्स दी हैं काफी। आपको ये सेम क्लस्टर आपको मीटियोर 650 आई है अभी, उसमें देखेगा ये सेम क्लस्टर। इसके फॉन्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, देखो ना इसकी फॉन्ट है और बैकलाइट भी बहुत डिसेंट सी वाइटिश बैकलाइट है, मतलब काफी प्यारा लगता है। तो यार मतलब फाइनल यही है वर्डिक्ट इस वीडियो का कि भैया जो यूजर है उनको अभी तो कोई बड़ी कमी नहीं आई है और ओवरऑल बाइक बहुत पसंद है, तो अभी सेटिस्फाइड हो ना फाइनली। अगर किसी को 2 लाख के अंदर मोटरसाइकिल खरीदनी हो तो ये है मतलब खरीदने लायक, खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो।